नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर घमासान, लोकल वाहन चालकों और टोल सिक्योरिटी के बीच में जबरदस्त झड़प हुई। इसी बीच में बड़ी संख्या में टोल पर पहुंचे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, टोल कर्मचारियों को खदेड़ा। लोकल ट्रक से लेकर के टोल वसूलने को लेकर हुआ विवाद। वाहन मालिकों ने टोल सिक्योरिटी पर लगाया गुंडागर्दी और बंदूक दिखाकर टोल वसूलने का आरोप। गुस्साए वाहन चालकों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी व टोल बूथों पर बनाया निशाना। जिस गाड़ी को वाहन चालकों द्वारा तोड़ा गया उसमें कई दर्जन गोलियां व कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसी बीच करीब एक घंटे तक टोल फ्री रहा। पुलिस अधिकारी व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। देख रहे करनाल से अनिश कौशिक की ये रिपोर्ट। विवादों का गढ़ बन चुका हाईवे का बस्ताड़ा स्थित टोल प्लाजा एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमवार सुबह एक बार फिर लोकल वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच में जमकर विवाद हुआ। टोल टैक्स वसूलने को लेकर के शुरू हुआ हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में नौबत मारपीट और तोड़फोड़ तक की हुई। गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा के बूथों पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों को भी खदेड़ दिया। इतने से लोगों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। भड़के वाहन चालकों ने टोल फ्री लेन में खड़ी एक स्कॉर्पियो को भी निशाना बना दिया। गाड़ी में बैठे टोल कंपनी के बाउंसरों की जमकर धुनाई की। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि टोल के बाउंसर बंदूक की नोक पर लोकल वाहन चालकों से टोल वसूलना चाहते हैं। लोगों द्वारा टोल पर तोड़ी गई स्कॉर्पियो गाड़ी से दर्जनों की संख्या में गोलियां व कारतूस भी बरामद किए। आज सुबह टोल सिक्योरिटी ने एक लोकल ट्रक चालक के साथ मारपीट की और उसके बाद में विवाद शुरू हुआ था। टोल पर हुए हंगामे के बाद कर्मचारी व अधिकारी मौके से गायब हो गए और करीब एक घंटे तक टोल फ्री रहा और गाड़ियां मुफ्त में टोल क्रॉस करती रही। तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी घरौंदा व मधुबन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। टोल पर हुई पूरी तोड़फोड़ की घटना की जानकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जाँच में जुट गई है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। राहुल जी, मैं अभी है ना आपको अपडेट नहीं दे पाऊंगा थोड़ा अभी। और हम रोहतक से आए हैं, इसमें ना सारे बर्खास्त थे। ये कह रहे हैं मुड्डा साहब के आदमी आए हैं, इसमें पिस्टल भी पाई है, गोलियां भी पाई है और डंडे भी थे, लठ भी थे। पुलिस ने वो काबू कर लिया है। दो नंबर के अवैध हथियार थे सारे। ड्राइवर को ये बदमाश आए थे, जैसे लोकल गाड़ियां चलते हैं उनके एक ड्राइवर की बांह भी तोड़ दिया और ड्राइवर यही हो क्या नाम आपका जी? मेरा विजय। तो कैसे क्या हुआ टोल पे जी? टोल पे पूरा रकम बचा रखा है इन्होंने, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, लोकल आदमियों को परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने इनसे कहा अभी गड्डी जाने थे, हम लोकल हैं, लेकिन इन्होंने मानी नहीं, मेरे को धक्का दिया, मेरे को मारा। कहाँ कौन सी गाड़ी थी आपके पास? मेरे पास ट्रक था अपना। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम करनाल जा रहे थे भाई। गाड़ी मेरे ऊपर गोली मारना काट रहे, रोहतक के बदमाश है, रोहतक के बदमाश है बोल रहे थे, धक्का दे दिया। इसके नीचे हाँ
चला गया। दो तीन जन